पीएससी को सौंपे गए हलफनामे में आंखों में परेशानी की बात कही। वही इस सर्टिफिकेट की वजह से पूजा खेड़कर को रियायत दी गई। विवाद इस बात पर भी है कि पूजा खेड़कर ने 6 अलग अलग जगहों पर मेडिकल जांच में शामिल होने से भी किसी न किसी वजह से इनकार किया और कम नंबर होने के बावजूद भी प्रशासनिक सेवा में उनका चयन हो गया। इतना ही नहीं, ट्रेनी आईएएस पर यह भी आरोप है कि उन्होंने खुद को ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर का कैंडिडेट बताया, जबकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में पूजा खेड़कर के पिता ने जो हलफनामा भरा है उसमें उन्होंने उनके पास 40 करोड़ की संपत्ति होने का दावा किया है। आईटीआई एक्टिविस्ट विजय कुंभाकर ने भी पूजा खेड़कर की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए उनके पास करोड़ों की संपत्ति होने का दावा किया है। दावा किया जा रहा है कि पूजा खेड़कर के पास करोड़ों की संपत्ति है। पूजा खेड़कर के पिता ने हाल ही में लोकसभा चुनाव में जो हलफनामा भरा उसमें खुद के पास 40 करोड़ की संपत्ति का दावा किया है। इस हलफनामे में उन्होंने अपने पास 43 लाख रुपए सालाना इनकम का भी जिक्र किया। इसके साथ ही पूजा खेड़कर के पास 17 करोड़ की संपत्ति का दावा भी किया जा रहा है। साथ ही विजय कुंभाकर ने पूजा खेड़कर की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए हैं और इस मामले में जांच की मांग की है। वहीं पूजा खेड़कर की वीआईपी डिमांड मामले के बढ़ने के बाद उनका तबादला पुणे से वाशिम कर दिया गया। वहीं अपनी नियुक्ति को लेकर सवालों में घिरी पूजा खेड़कर अब सवालों से बचती हुई नजर आ रही। कंट्री में आता ऑथोराइज नहीं है तुम्हारा काही सांगण्यासाठी बिकॉज गवर्नमेंट रूल्स डू नॉट अलाउ मी टू स्पीक एनीथिंग ऑन दिस मॅटर। आज मी ऑफिशियली जॉईन झाले आहे वाशिमला अँड मी इकडे वर्क करायला इकडे काम करायला मी जाहीर आहे। जिस तरीके के तेवर पूजा खेड़कर ने नियुक्ति के पहले दिखाए वो सवाल उठाते हैं कि नियुक्ति से पहले ट्रेनी आईएएस साहिबा का ये हाल, क्या नियुक्ति के बाद वो लोगों के लिए काम करती? जिन्हें सिर्फ अपनी सुविधाओं का ख्याल है वो कभी जनता की सुविधाओं के बारे में सोचती? ब्यूरो रिपब्लिक भारत। उधर दिशा साल्यान मौत मामले को लेकर अब इसमें नया मोड़। इस बीच नीट परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात की और उनके सामने अपनी चिंताएं जाहिर की। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए पेपर लीक और किसी भी तरीके की बड़ी गड़बड़ी से साफ इंकार कर रही है, लेकिन बिहार की जांच एजेंसी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट यानी ईओयू ने अपनी शुरुआती जांच में पटना और हजारीबाग में शुरुआती तौर पर पेपर लीक की पुष्टि की थी। इतना ही नहीं, ईओयू की जांच में तो ये भी आया था कि पेपर के 2 सेट की सील खुली हुई थी। क्रिकेट से पहले दिन बीसीसीआई ने एक बार फिर दुनिया दिया। उसी दौरान बेदी राम और विपुल दुबे का नाम आया। अब आप सोचिए 2006 में जो पेपर लीक के आरोपी आज तक उन्हें कोर्ट से सजा नहीं मिल पाई, बल्कि वो उत्तर प्रदेश में 18 साल के भीतर विधायक तक बन गए। बेदी राम और विपुल दुबे के बारे में एसटीएफ के तत्कालीन अधिकारी से आप सुनिए। बेदी राम उसमें जो मुख्य सरगना था पेपर लीक का वो पकड़ा गया। देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करके मैं जिस समय की बात बता रहा हूँ वो शुद्ध अपराध की बात बता रहा हूँ, अपराधी की बात बता रहा हूँ, और इस समय वो माननीय विधायक हो गए हैं। राजभर की पार्टी के
विधायक बेदीराम कहते हैं कि केस पुराने हैं, नया कुछ भी नहीं, और संजय निषाद की पार्टी के विधायक विपुल दुबे कहते हैं 18 साल पहले कुछ गलतियां हुई थी, अब वो पाक साफ है। जब भी पेपर लीक का मामला आएगा तो विपक्ष एनडीए के दो विधायकों विपुल दुबे और बेदीराम के नाम को आगे करके सवाल पूछेगा। बेशक बीजेपी और सरकार के पास ये कहने भर तो है कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन क्या इन दो विधायकों से एनडीए किनारा कर पाएगी? शायद नहीं, क्योंकि ये दोनों विधायक एनडीए से हैं और बीजेपी के लिए अब सरदर्द बनते जा रहे हैं। पेपर लीक का मामला लीगल बना हुआ है और उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी पर राजनीति हावी है, जहां कल नियुक्ति पत्र बांटते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोतियां वाली सरकार इत्थे किदा करिए इतबार। तुहानू लग गया पता ओम बिरला दी बेटी आईएएस किवें बनी पैराशूट। इस तरह ये बीबी पूजा आईएएस फेक दस्तावेज़ां दे उत्ते जो खबरां आ रहीआं ने, ते फिर नीट दे विच पूरी नीट नीयत खराब या वसीयत खराब, ये देशपति कीती हुई वसीयत किथे ते किवें ते किस हिसाब नाल रुकी, ते ये तुसीं देखो इंटलैक्चुअल पढ़ाकू ते मेहनत करन वाले स्टूडेंट्स दे उत्ते किस तरह की गाजगिरी। रोज छी उसाइज के मामले सामने आते ने, ते ए नवे कानूनों विचों अख छुपाते ने, ते ए जिहड़ी ए नवे कानूनों की बिरती जिहड़ी ए ए संविधान नूं तोड़न वाला है या जोड़न वाला है, ये तुहाडे ताईं एक गल कर दित्ती है। ते ए वी गल कर दित्ती है कि जे संविधान नूं तोड़ना सी ते ए तीन नवे कानून लियाउण दा यतन कीता गया, इस करके ਜਿਹੜੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਹੈ ਆਪ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਮੇਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਮੇਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਮੇਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੀ ਮੇਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦੀ ਇਹ ਭੇਟ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੜਾਕੂਆਂ ਅਤੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲਾਂ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵਰਕਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦੀ ਇਸ ਭੇਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ।